अगर आप अमेरिका में किसी किसी स्टूडेंट से पूछें कि बीसवीं सदी का सबसे बड़ा फिजिस कौन था तो सबसे पहले तो वो आइंस्टाइन का नाम लेगा उसके बाद रिचर्ड फाइनमन का मैंने फाइनमन को सिर्फ एक ही दफ़ा देखा जब एक बहुत बड़ा हॉल था ऑडियंस थी उसमें मैं भी था कहीं पीछे बैठा हुआ था और किसी ने उससे पूछा कि आपने स्कूल में क्या सीखा क्या फिजिक्स सीखी और कोई ऐसा वाक्य सुनाए जिससे कोई नई चीज कोई नया नया ख्याल आपके जहन में जन्म लिया तो उसने कहा कि मैं उस वक्त कोई चौदह साल का था और मैंने कैलकुलस तो खुद से पढ़ ली थी डिफरेंशियल इक्वेशंस खुद से पढ़ लिए थे मैं क्लास के बिल्कुल पीछे बैठता था न्यूयॉर्क में स्कूल कोई था। तो उसके टीचर ने जिसका नाम अब मुझे याद आ रहा बेडर या पैडर था उसने कहा रिचर्ड यू नो एवरी ग्राउंड

हम्म तो फाइनमन ये सोचता रहा इस चीज ने इसके दिमाग को पकड़ लिया अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि फिजिक्स में हमेशा जो फितरी कैफियत है उसमें ये कि आप किसी मिनिमम की तरफ जाते हैं एनर्जी को मिसाल के तौर पे आप मिनिमाइज करते हैं इससे उस सिस्टम की सबसे स्टेबल पोजिशन निकल आती है तो मिसाल के तौर पर अगर एक बर्तन है उस बर्तन का शेप यह है आपने गेंद यहां पे रखा तो वो गेंद लुढ़क कर पहले इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, जाएगा बिलाखिर उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है तो आप हर वक्त देखते रहते हैं तो ये एक ऐसा मिनिमम प्रिंसिपल है यानी कि किसी एक क्वांटिटी है जिसकी कीमत सबसे कम जब हो तब वो सिस्टम अपनी स्टेबल हालत इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो अब ये जो फाइनमन के टीचर ने पूछा उसने कहा कि ये क्या चीज है जो सबसे कम अगर की जाए तो ये पत्थर यूं गिरेगा यूं नहीं ये रहेगा और ये वो चीज है जिसने फाइनमन को मजबूर किया कि वो मिनिमम प्रिंसिपल्स की तरफ रुजू करे अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ मिनिमम प्रिंसिपल्स के बारे में ताकि आप आ, ए, एक पिक्चर बन सके आपके जहन में जिसके बाद मैं बताऊंगा कि जो फाइनमन का एक सबसे बड़ा काम था रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मिकेनिक्स जिसको पाथ इंटीग्रल मेथड कहते हैं कि वो उसकी तरफ किस तरह से सोचने लगा तो ये बात ये सवाल बहुत पुराना है कि अगर रोशनी को इधर से इधर तक पहुंचाना है पहुंचना है तो रोशनी किस रस्ते पर चलेगी जो उसूल असल में इब्ने हैशम ने डिस्कवर किया था और जिसको बाद में फॉर्मैट ने फर्मैट को नहीं पता था कि इब्न हैशम ने क्या किया लेकिन फॉर्मैट प्रिंसिपल यह है कि रोशनी इधर से इधर उस रस्ते पर चलती है जिस पर वक्त कम से कम लगता है एक क्वांटिटी वक्त टाइम जिस पर सबसे कम वक्त लगता है रोशनी इधर से उधर उस पे चलती है अच्छा आप कहें कह रहे ये क्या बड़ी बात है ये तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अब आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस उसूल का इतलाक करें तो आपको पता चलता है कि इसमें बड़ा माल है मिसाल के तौर पर अगर आप ये शीशा है और आप रोशनी इधर से फेंकते हैं तो रोशनी उस जगह पहुंचेगी अगर रोशनी को इधर से इधर पहुंचाना है इस इस शीशे इस आईने से रिफ्लेक्ट होकर तो फिर आप अगर इस उसूल का इतलाक करें तो ये पता चलेगा कि ये रोशनी इस तरह से मुनक्कस होगी यानी कि ये जाविया और ये जाविया एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये उसका नतीजा बरामद होता मैं करके नहीं दिखाऊंगा अगर रोशनी पानी के अंदर दाखिल होती है या किसी या, या शीशे के अंदर तो आपको पता है कि रोशनी फिर तो फर्ज कीजिए कि ये फर्ज कीजिए कि ये यहां पर शीशा है यहां पर हवा है तो जब रोशनी यूं इसके ऊपर गिर गिरती है तो ये फिर इस ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होता है यहां स्नेल्स लॉ इससे निकलता अच्छा ये भी आप उस मिनिमम प्रिंसिपल से हासिल कर सकते हैं गोया की एक, एक बड़ी इसकी तारीख है अच्छा अब जो फाइनमन ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया चौदह साल की उम्र थी उसकी लेकिन ये ये उसके दिमाग में बात बैठ गई थी लिहाजा जब उसने पीएचडी की यूनिवर्सिटी से तो उसने क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक बिल्कुल नया फॉर्मुलेशन है वो उसने दरियाफ्त किया या ईजाद किया आप कह सकते हैं उसके बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूं अच्छा अब क्वांटम मैकेनिक्स एक बड़ी अजीब सी चीज है इस लिहाज से के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उससे साबका नहीं पड़ता जो उसमें फिनमिना हैं वो हमें आसपास दिखाई नहीं देते जो हम देखते हैं सो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पाबंद होता अच्छा एक उसकी बड़ी अहम मिसाल ये बनती है कि फर्ज कीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचाना है एक इलेक्ट्रॉन यहां से खारिज होता है और यहां पर पकड़ा जाता है अब बीच में एक, एक समझ ले कि मेटल की चादर है या कोई कोई स्क्रीन है तो यहां आ, हम दो छेद कर लेते हैं एक यहां पर है और एक यहां पर है तो अगर इलेक्ट्रॉन है वो पहले इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं दो बारीक छेद हैं ये बारीक छेद हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सकता तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर पहुंच के फिर इधर टकरा के यहां जा सकता है या इधर पहुंचाकर इधर इधर से निकलकर इधर पहुंचकर इधर जा सकता इलेक्ट्रॉन इसका कुछ चांस बनता है और इसका भी कुछ चांस बनता अब चांस मैं कहूंगा लेकिन अब एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करने वाला हूं शिद्दत। तो कुछ एम्पलीट्यूड बनता है कि इलेक्ट्रॉन इस रस्ते से पहुंचे चलिए उसको हम ए वन कहेंगे एम्पलीट्यूड वन कहेंगे और अगर दूसरा छेद ना होता हाँ? अगर दूसरा छेद ना होता तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता अब उसके आ, मुरब्बा ही समझ लीजिए क्योंकि मैं ये अस्यूम नहीं करूंगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं बहुत में से आप में से बहुत से लोग हैं जिनको आता है लेकिन जिसको नहीं आता चलिए हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये बस उसका मुब्बा है अच्छा तो इसमें मैंने ये छेद खुला रखा था ये छेद बंद किया था हाँ अगर मैं इसको बंद करूं इसको खोलूं तो कोई दूसरा एम्पलीट्यूड है उसको आप ए टू कहें और अगर ये बंद है ये खुला है तो फिर प्रोबेबिलिटी जो या जो इम्कान है सो ये बनता है और ये a1 अगर कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसका जब आप मुब्बा लेंगे तो वो खुद मुस्बत हो जाता लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव चांस है कि यहां से यहां तक पहुंचे अच्छा ठीक तो अब अब मैं दोनों छेद खोलकर रखता हूं दोनों खुले हैं उस सूरत में जो कुल एम्प्लीट्यूड है सो इसके बराबर है इनकी जमा है और अब अगर मैं इसका मुब्बा लूं, यानी कि ए का स्क्वायर लूं, तो देखिए इसमें क्या आता है इसमें ए वन और चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम छोड़ लेते हैं इसको हम ए वन स्क्वेड प्लस ए टू स्क्वेड प्लस टू ए वन ए टू बन जाता ठीक है ठीक है दोनों को जमा कर लिया अच्छा अगर ए वन और ए टू बराबर हो ठीक बराबर हो तो ये क्या होगा ये होगा फोर टाइम्स टू टाइम्स ए वन इसको फिर अगर तो ए टू ए वन अगर तो अगर तो फिर P बन गया फोर ए वन लेकिन अगर A2 टू मनफी ए हो तो फिर क्या होगा फिर ये ए वन माइनस ए टू जो कि जीरो हो गया विच मीन बीज जीरो, तो सारा खेल यहां से शुरू होता है कि हम एप्लीट्यूड को जमा करते हैं हम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा नहीं करते पी को नहीं जमा करते हम हम एज को जमा करते अच्छा तो अब फर्ज कीजिए कि हम इस बी को इस जगह से हटा के थोड़ा ऊपर कर लेते हैं या थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ये जो ए वन और ए टू है इनकी कीमतों में फर्क आएगा आ सकता है और ये हो सकता है कि कहीं पर ए वन और ए टू मैग्निट्यूड साइज में बराबर हो लेकिन इनकी साइंस मुख्तलिफ हो उस सूरत में आपको जीरो चांस मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन उस जगह पर पहुंचे अच्छा अब आप इस पे जरा सोचें तो ये बड़ा अजीब सी बहुत अजीब हो जाता ना? आ, कभी आपने ये नहीं देखा कि राइफल की गोलियां जब किसी स्क्रीन पर चलाई जाती हैं? आपके पास एक मशीन गन है क्लाश टेक डर डर आप गोलियां चलाते हैं तो कभी ऐसे नहीं होता कि किसी एक जगह पे आपको जीरो गोलियां मिलें कभी एक गोली एक राइफल की गोली दूसरी राइफल की गोली को को खत्म नहीं करती ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है लेकिन आ, अगर ये बात दुरुस्त है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को यूं कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये कैंसिल आउट करते हैं और ये तो एक ऐसी चीज है कि हम जगह जगह हर रोज देखते हैं इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं जब आप कोई सा भी मटेरियल देखते हैं तो उसमें रोशनी आप भेजते हैं तो रोशनी उससे मुनकस होकर किसी डिटेक्टर में पहुंचती है उसके अंदर आपको ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं वो पैटर्न्स इसलिए बन सकते हैं कि आपको एम्पलीट्यूड जमा करना होते हैं जमा करने के बाद आप उसका मुब्बा लेते हैं और ये वो चीज है क्वांटम मैकेनिक्स की जो बहुत ही अजीब सी चीज है और जिसे हम आ, समझना चाहेंगे अच्छा अब फाइनमैन चौदह साल का था उसको पता था कि रोशनी भी डिफ्रैक्ट होती है रोशनी में तो जैसा कि रोशनी की लहरें हैं लहर क्या चीज होती है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जिसका साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर घटता है घटता है और फिर उसकी कीमत मनफी में चली जाती है अगर कोई दूसरी लहर भी हो तो उस दूसरी लहर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे लिहाजा जब आप दो लहरों को जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो ये चांस बनता है कि कहीं पर ये अपने एक दूसरे को आ, के साथ ऐड हो जाएं और ये भी हो सकता है कि कहीं पर यह सब्ट्रैक्ट हो जाएं। और ये वजह है कि आपको रोशनी में वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं अच्छा है। तो ये बात फाइनमेन को पता थी अब आगे चलते हैं तो अब मैं इसकी तरफ आता हूं फाइन रन तो फाइनमन ने इधर आ जाए बेशक तो फाइनमन ने कहा कि चलो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता फर्ज करो कि यहां एक स्क्रीन है जिसमें एक दो तीन चार पांच छेद हैं। अच्छा इसके आगे मैं एक और रखता हूं इसमें भी इतने कुछ छेद हैं। तो ये ए है ये बी है इलेक्ट्रॉन इस रस्ते से पहुंच सकता है यूं जाकर यूं टकराकर यूं पहुंच सकता है या वो यूं जा सकता है यूं जाए यूं जाए यूं जाए या अगर मैं एक और स्क्रीन रख दूं इसके सामने तो वो फिर एक, एक और इससे भी ज्यादा पेचीदे पेचीदा रस्ते से ए से बी तक पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन गोया के इस रस्ते से भी जा सकता है इससे भी जा सकता है इससे भी जा सकता है और ये अब आप एक्चुअल स्क्रीन का छोड़ें, अब आप ख्यालिस स्क्रीन इधर डालते चले जाएं, डालते चले जाएं, सो पुट एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ स्क्रीन बिटवीन हेयर एंड हेयर बारीक बारीक फासलों के ऊपर तो क्या इससे नतीजा निकलता कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हाँ इस रास्ते पे तो जा सकता है जो राह रास्त है जो सही रास्ता है उस पर चल सकता है मगर वो कोई बहुत ही टेढ़े रास्ते से भी जा सकता है और यूं जग, यूं भी जा सकता है और यूं भी जा सकता है तो देखिए जो फाइनमेंट के टीचर ने उससे सवाल किया था ना कि वो ठीक नीच, नीचे क्यों गिरता है तो अब जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में उसके अंदर ये बात शामिल करते जाएंगे तो फिर ये सवाल वही सवाल यहां पर भी उठेगा अच्छा अब मैं आगे इससे जा नहीं सकता बगैर मैथमेटिक्स के और वो मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ खिजर साहब जिनकी उम्र सात साल है वो बैठे हैं कितने साल के हो नाइन सॉरी आई टेरेबली सॉरी नाइन तो बिकॉज दिस गो बियॉन्ड नाइन ईयर्स तो इसलिए मैं uh, ये आपको नहीं बता सकता कि एक एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल में ई टू दी आई फेज है जब वो फेज बहुत तेजी से चेंज होता है तो तमाम कैंसिलेशन हो जाती हैं और सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रहता है अगर एच बार जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है जीरो की तरफ जाए तो फिर आप क्लासिकल रास्ते पर पहुंच जाएंगे लेकिन अगर एच बार जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है जो कि जो कि छोटा है लेकिन जीरो नहीं है अगर उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन हर रस्ते से यहां से यहां तक पहुंचेगा लिहाजा अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ता हूं और यहां पकड़ता हूं तो हो सकता है कि चांद पर भी उधर होकर आए या कोई मेरी उससे आगे भी होकर आए अलबत् जो जो इंटीग्रल फाइनमन ने लिखा उसके अंदर इतनी कैंसिलेशन हैं कि उसका चांस फिर ना होने के बराबर होता है और चांस सबसे ज्यादा तो क्लासिकल रास्ते का होता है जो सीधा रास्ता है जो राह रास्त है उसी का होता है सबसे ज्यादा लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं वो सारे पॉसिबल हैं अगर क्वांटम मैकेनिक्स होल्ड करता है और अगर आप एच यानी कि अगर एच बार जीरो नहीं है अच्छा अब इससे आप शोडिंगर इक्वेशन तक पहुंच सकते सो दिस विल गिव यू द फेमस इक्वेशन एच साइकुल्स इक्वल्स सॉरी मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ी लेकिन चलो कोई बात नहीं ये का एक इतना बड़ा काम था और इतना बड़ा इसलिए है कि इसने बड़ी आसानियां पैदा की हमारे लिए तो खास तौर पर जब आप क्वांटम फील्ड थियरी पर इसका इतलाक करते हैं तो उससे बहुत सी चीजें सहल हो जाती आसान हो जाती हैं और अब मैं उसकी तरफ आने वाला हूं लेकिन इससे पहले कि मैं पाथ इंटीग्रल्स की बात छोड़ू मैं ये कहूंगा कि इसका इतलाक अब फिजिक्स की हर फील्ड के ऊपर होता है आप कंडेंस मैटर ले लें आप, आप न्यूक्लियर फिजिक्स ले लीजिए पार्टिकल फिजिक्स कॉस्मोलॉजी जहां जहां क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है उसको हम अब दो तरीकों से सोच सकते हैं कि हम या तो श्रोडिंगर के रस्ते से जा सकते हैं जो कि सीधा साधा है अब वो तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के पहले कोर्स में पढ़ा लेते हैं या फिर हम इसको इस पाथ इंटीग्रल के जरिए से समझ सकते हैं तो पाथ इंटीग्रल के जरिए से जब हम समझते हैं तो उसमें ये तमाम मुमकिनात हमारे सामने आती हैं कि एक सिस्टम इस रस्ते से चलकर भी उधर पहुंच सकता है उस रस्ते से भी चलकर पहुंच सकता है लिहाजा अब हमारे सामने एक डेफिनेट प्रॉब्लम्स सामने आ जाता है जिसमें अब हम मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके जान सकते हैं कि हाँ अगर इस पे चला जाए तो क्या असरात होंगे उस पर चला जाए तो क्या असरात होंगे हम इस पर एवरेज कैसे कर सकते हैं लिहाजा इस इंटीग्रल मेथड आ, जो इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम है मैं समझता हूँ कि यह फाइनमन का सबसे बड़ा काम था आ, लेकिन शायद सबसे बड़ा काम मैं कह रहा हूं क्योंकि जो अगली बात मैं करने वाला हूं वो है फाइनमन डायग्राम्स की तो अब मैं उसकी तरफ आता हूं इसके बारे में अगर कोई सवाल हो आ, इंटीग्रल फॉर्मुलेशन के बारे में हाँ एक सेकेंड आपको माइक, माइक, देते, माइक देते हाँ हेलो हाँ ठीक है ठीक

इनमें कितना फासला है लेकिन चलिए अगर कोई फासला है तो हाँ आ, जितनी स्पीड ऑफ लाइट इजाजत देती है दूर जाने की उसी के अंदर रहना पड़ेगा अलबत्त देखें क्योंकि ये वर्चुअल पार्टिकल्स हैं तो उसमें ये कैद नहीं है क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की बात नहीं आती तो वर्चुअल पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट चली हाँ मैं मैं मानता हूं स्पीड ऑफ लाइट उसको महदूद करेगी और जो बात मैंने की उसमें थोड़ा सा मुबालगा था हाँ लेकिन बहुत बहुत दूर जा सकता है हाँ। थीज़ी, थीज़ी, तो भी ओके तब भी बहुत दूर जा सकता हाँ हाँ, ओके अच्छा अब मैं आता हूं फाइनमेन के दूसरे बड़े काम पर फाइ डायग्राम्स तो ये सन 1920-25 के बीच में ऑल डिराक ने एक इक्वेशन एक लिखी जो डिराक इक्वेशन कहलाती है जिसको जब सॉल्व किया गया तो उसमें से ये पता चला कि पार्टिकल्स भी हैं एंटी पार्टिकल्स भी एंटी पार्टिकल वो जो पार्टिकल के बिल्कुल तरह है ले उसी की तरह है वही मास रखता है लेकिन जिसका चार्ज उस पार्टिकल का उलट है अच्छा अब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको रिलेटिविटी के साथ भी शामिल कर दिया गया अब अगला सवाल ये बना फिजिस के लिए कि जब हम पार्टिकल्स को टकराएंगे आपस में तो आ, उससे क्या बरामद होगा हम क्या देखेंगे कि जब मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के साथ टकराता है या प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ टकराता है या इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन से टकराता है तो जो उसके नतीजे में पार्टिकल्स निकलेंगे जिनको अब हम पकड़ के उनकी स्पीड भी देख सकते हैं तो ये प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत पड़ी इसका जवाब उसूली तौर पर तो इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है लेकिन जब आप इस इक्वेशन को एनालाइज़ करते हैं, इसको खोलते चले जाते हैं तो फिर जैसे ही आप साथ, -साथ रिलेटिविटी भी इसमें शामिल करते हैं तो जो फॉर्मूले हैं वो खूब लंबे होते चले जाते हैं उनमें आप जरा सी भी अगर गलती कर लें थोड़ी बहुत और जमाने में कंप्यूटर्स भी नहीं थे तो बस सब कुछ बर्बाद हो जाता दूसरे ये कि जब आप सिंपल से थोड़े से ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती अच्छा उस ज़माने में तो ये नाइनटीन की बात है नाइनटीन फोर्टीज़ में ये आ, फिजिस सारे लगे हुए थे मैनहेटन प्रोजेक्ट में एटम बम बनाने में वो न्यूक्लियर फिजिक्स का दौर था न्यूक्लियर फिजिक्स उस वक्त उसके बुनियादी उसूल दरियाफ्त हो रहे थे ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है उसके न्यूट्रॉन्स को कौन सी कुत जोड़ के रखती है ये पता चला कि जब आप उसके ऊपर एक हल्का सा न्यूट्रॉन मारते हैं तो वो क्यों टूटता है उसमें फिशन कैसे पैदा होती है उस फिशन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बहुत जरूरी था ना बम बनाने के लिए तो फाइनमन उस वक्त कोई नौजवान था कोई चौबीस पच्चीस साल का था और या तीस साल का था कुछ उस उसके आसपास बहुत मंझे हुए बहुत ही तगड़े किस्म के फिजिस थे जैसा कि हांस बेटे था हांस बेटी जिसको बाद में नोबेल प्राइज मिला एडवर्ड टेलर था एडवर्ड टेलर जिसने बाद में हाइड्रोजन बैक था ओपन हाइमर तो ये स, बहुत ही जूनियर आदमी था लेकिन इस बंदे का दिमाग इतना तेज है आइंस्टाइन हाँ आइंस्टाइन कभी बम बनाने पर राजी नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छी बात है कि आपने बात कही, बाद में हम भूल जाते। आइंस्टाइन ने मैनहैटन प्रोजेक्ट शुरू कराया था उसने रोजवेल्ट को खत लिखा था उसने कहा कि हिटलर बम बना रहा है और उस वक्त हिटलर का बम प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था तो उसने कहा कि इससे पहले कि हिटलर के पास बम आ जाए जरूरी है कि अमेरिका और बर्तानिया बम पर काम करें और उस लेटर की वजह से शुरू हुआ लेकिन जब उसने सोचा कि ये बम अगर बन गया अगर ये इस्तेमाल हुआ तो उसके क्या असरात होंगे इंसानियत के ऊपर तो फिर उससे वो हट गया और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस पॉइंट नाउ खैर तो मुख्तसर ये कि फाइनमन बहुत ही जूनियर फिजिसिस्ट था लेकिन उसका दिमाग ऐसा था कि जो बड़े बड़े बाबे थे उस जमाने के वो उसके पास आते थे कि ये ये प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए अच्छा उस ज़माने में लैम शिफ्ट डिस्कवर हुआ था यानी कि एक बहुत ही बारीक इफ़ेक्ट हाइड्रोजन एटम के अंदर जो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विले स्लैम ने मेजर कर लिया हुआ था लेकिन अब थेरी ठीक है उसका जवाब इन प्रिंसिपल इसके अंदर पिनहा होना चाहिए लेकिन इसे निकाला कैसे जाए क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो इतने लंबे बनते चले जा रहे। तो जब ये बड़े लोगों ने बेटे ने खास तौर हंस बेटे ने खास तौर पर ये पूछा ये सवाल रखा फाइनमैन के सामने तो फाइनमैन का, का दिमाग जो है वो हमेशा पिक्चर्स की तरफ जाता था और जो फॉर्मूले निकल रहे थे उसने उसकी एक तस्वीरी शक्ल बनाई उस तस्वीरी शक्ल को उसने एक कॉन्फ्रेंस में भी पेश किया उसने कहा कि मैंने ये तस्वीरें बनाकर हर तस्वीर जो है हर फाइनमेंट डायग्राम जो है वो एक मखसूस मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ जुड़ा हुआ है उसी से माखज है वो कहता कि मैं तस्वीरें बनाकर इसका जवाब निकाल सकता हूँ उसने खट 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 करके ये फाइनमन डायग्राम्स लिखे उनको सॉल्व किया और कहा कि लो, ये आंसर। किसी ने उसकी बात नहीं मानी वहां पर आइंस्टाइन आइंस्टाइन भी भी था, भी सर खुजाता रहा कि ये क्या बोल रहा है बच्चा लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद जब डायसन और, और फाइनमन मेरा ख्याल दोनों ने अलग अलग काम किया लेकिन अब ये फाइनमन डाइसन फाइनमन डाइसन सीरीज कहलाने लगा जिससे ये डायग्राम्स निकली और आज सूरत हाल ये है कि जो भी कैलकुलेशन पार्टिकल फिजिक्स में होती है वो फाइनमन डायग्राम्स के इस्तेमाल से होती है और जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ाते हैं तो कोई पांचवें छठे लेक्चर के बाद वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आ जाती है वो जानते हैं कि फाइनमन डायग्राम अगर यूं लिखा हुआ हो तो उसके साथ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मंसूब है चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं मिसाल के, तो के तौर पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी और इसको शामिल करें दोनों को जोड़ें और जोड़ना भी इतना कोई आसान काम नहीं लेकिन जुड़ गया, ये जोड़े गए तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है कि इनके बीच में जो कार फरमा है वो इस सबब है कि यहां से एक फोटोन छूटता है जो यहां पकड़ा जाता है और फिर यहां से वो वापस यहां आता है मगर जब आप उसका जब सिर्फ फॉर्मूले होते हैं तब तो बात समझ में नहीं आती अब जो तस्वीर में बनाऊंगा उससे ये बात इतनी वाजे हो जाएगी तो फर्ज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है अब ये इलेक्ट्रॉन मैं यू एक एक मैंने लकीर खींची हुई है ये लकीर इलेक्ट्रॉन की है एक चार्ज अच्छा बेशक ये खड़ा हो साकिन हो फिर भी मैं लकीर यहां खींचूंगा दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी खड़ा हो या हरकत में हो उसके लिए भी मैं एक लकीर बनाऊंगा अब जो फाइनमन ने इसको और रिलेटिविटी को जोड़ा उससे फिर जो एम्पलीट्यूड निकलता मैंने एम्पलीट्यूड का लव्स पहले भी इस्तेमाल किया था कि एम्पलीट्यूड वो है जिसका अगर आप मुब्बा लें तो उससे इम्कान, प्रोबेबिलिटी आप हासिल करते हैं तो एम्पलीट्यूड ये बनता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर हो यह इलेक्ट्रॉन एक फोटोन छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन उसी फोटोन को पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहा ये भी वैसा ही रहा बीच में एक फोटोन यहां से निकला उधर पकड़ा गया ये हकीकी फोटोन नहीं है दिस नॉट अ रियल फोटोन दिस इज ए वर्चुअल पार्टिकल हाँ कितनी दूर जा सकता है वेल इट्स लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ ऑफ लाइट, लेकिन चलिए अच्छा अब ये दरअसल एक एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स यू आए, इनके बीच में कोई चीज एक्सचेंज हुई जिसके नतीजे में इन पर कोई फोर्स अमल करती है और आ, एक यहां चला जाता एक यहां चला जाता स्पॉन्ड टू ए डेफिनेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकिन अब हम इसको यू समझ भी सकते हैं कि इधर से एक फोटोन निकला अच्छा फोटोन क्यों निकला फोटोन को एनर्जी कहां से मिली ये क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे अटा की क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी कभी मुस्तकिल नहीं रहती इसके अंदर भी ऊंच नीच हो सकती है फ्लक्चुएशन हो सकता है थोड़ी देर के लिए इस फोटोन को एनर्जी इन फ्लक्चुएशंस ने दी जिसकी वजह से पैदा हुआ फिर वो फोटोन फना हो गया खत्म हो गया लेकिन जितने वक्त के लिए ये सफर कर सका उस वक्त वो वो इस पे मुनहस है कि इनमें फासला कितना है और वो फासला अगर कम हुआ तो इनके बीच में जो कशिश है या जो धकेल है वो ज्यादा होगा अच्छा अब ये फोटॉन्स के लिए लेकिन अगर ये कोई और फोटोन आप जानते हैं कि उनका मास सिफर होता है लेकिन ये आ, मिसाल के तौर पर एक जेड जीरो बोजॉन भी हो सकता है जो प्रोटॉन से तकरीबन नबे गुना ज्यादा भारी है और ये भी वक्ती तौर पर यहाँ से निकल सकता है इसी की वजह से अब ये क्योंकि इतना भारी होता है Z0 जीरो बोजॉन वो जो आ, सलाम और वाइनबर्ग ने प्रिडिक्ट किया था लेकिन ये भी इनके बीच में कशिश का बायस हो सकता है और जिसे वीक इंट्रैक्शन कहते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि फोटोन के अलावा इनके बीच में एक Z0 भी जा सकता। अच्छा, तो इससे देखें कि कितनी आसानी पैदा हो गई अब इससे अगर हम आगे चले तो हर किस्म की चीज मुमकिन है लेकिन अब मैं ये बताता हूं कि फर्ज कीजिए कि एक इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एंटी पार्टिकल्स को फाइनमन ने फाइनमन डायग्राम्स में कैसे शामिल किया अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी आ, डेस्टिनेशन पे किसी एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जहां पर इंटरैक्शन होने वाला है तो ये तीर इसकी तरफ है लेकिन अगर ये एक, एक एंटी पार्टिकल है अच्छा ये देखें यहां टाइम टाइम ये टाइम की सम्थ में है टाइम आगे बढ़ रहा है पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के आगे चलने के साथ टाइम बढ़ रहा है हाँ लेकिन अगर एंटी पार्टिकल हो तो सो दिस इज पार्टिकल अगर एक एक एंटी पार्टिकल इसी जगह पर गामजन है उसी की तरफ जा रहा है उसकी समत आप ये दिखाएंगे उल्टा दिखाएंगे टाइम रन दी अदर वे फॉर एंटी पार्टिकल्स हम दिस वॉज फाइनम वेरी वेरी ग्रेट इंटिकल uh, उस तरफ हाँ फिजिकली देखे फिजिकली पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कोई फर्क नहीं है पॉजिट्रॉन अरे भाई पॉजिट्रॉन तो आजकल तो हम ऐसे चुटकी बजाकर बना सकते हैं वो तो हर वक्त निकलते रहते हैं वो जब कोई न्यूक्लियस टूटता है बीटा डिके से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं कुछ दूसरे न्यूक्लिया जिसमें से पॉजिट्रॉन्स उस तरह से निकलते हैं देर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट पॉजिट्रॉन्स सिर्फ ये कि उसका चार्ज उसका उलट है अलबत् अगर एक पॉजिट्रॉन इस की तरफ जा रहा है देन यू विल ड्रॉ इट दी अदर वे अब फर्ज कीजिए कि एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराए जाते हैं और क्या ये मुमकिन है बिल्कुल है हम बोरेट्रियों में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को हर वक्त टकराते रहते नो प्रॉब्लम अबाउट आउटॉल तो उसको फाइनमेंट डायग्राम में आप यू देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसकी तरफ जा रहा है ये पॉजिट्रॉन है जो इसकी तरफ जा रहा है जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं एक दूसरे को खत्म करते हैं उसमें से सिर्फ एनर्जी रह जाती है, एनर्जी और मोमेंटम रह जाते हैं एक वर्चुअल फोटोन बनता अब ये वर्चुअल फोटोन ये अब सचमुच का फोटोन नहीं है ये आ, मैं ख्याल ही नहीं कहूंगा इस ये एक मेरा खाली वर्चुअल का लफ्ज वर्चुअल ही रहने दिया जाए इस वर्चुअल फोटॉन से अब आ, हर किस्म का अलम गलम निकल सकता ये भी हो सकता है कि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेर निकले तो ये हमने इलेक्ट्रॉन यहां देखें हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को टकराया उससे फिर ये वर्चुअल फोटोन बना उस वर्चुअल फोटोन से फिर एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेकिन जैसा कि मैंने कहा अब हर किस्म की चीज निकल सकती ये छोड़ी यहां से क्वार्क्स निकल सकते हैं यहां एक क्वार्क अप क्वार्क बन सकता है यहां पर एंटी अप क्वार्क उससे निकल सकता उस ये भी हो सक ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है जो सबसे भारी क्वार्क है इतना भारी है कि वो प्रोटॉन से नवे गुना बड़ा है भारी है टॉप क्वार्क भी बन सकता है एंटी क्वार्क भी बन सकता है अगर आपने इसको काफी एनर्जी दी काफी एनर्जी से टकराया तो इधर एक हाथी भी निकल सकता इधर एक एंटी हाथी निकलेगा एनीथिंग एनर्जी अच्छा तो इस वर्चुअल फोटोन में अगर काफी एनर्जी हो तो हर चीज मुमकिन है इस इस तरह से हमने क्वांटम हमने क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स को टेस्ट भी किया है इस तरह से बेसिक पार्टिकल फिजिक्स के मुख्तलिफ मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो इसके पीछे एक फाइनमेंट डायग्राम फाइनमेंट डायग्राम के पीछे एक एक कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनमेंट डायग्राम हो सकते हैं मिसाल के तौर पर अब जिस चीज ने जिस चीज ने फिजिसिस को बेहद परेशान किया था शुरू के दिनों में वो ये फाइनमेंट ये फाइनमेंट डायग्राम था कि चलिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसने फोटोन छोड़ दिया अब ये फोटोन वर्चुअल है हाँ अगर इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता कोई दूसरा पॉजिट्रॉन मिल जाता दूसरा क्वार्क या कोई सा भी चार्ज मिल जाता तो ये उसके साथ जुड़ जाता वैसे लेकिन इसको तो वापस आने ही आना है आएगा तो कहां आएगा इसको कोई चार्ज की तलाश है तो ये इधर आ जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन जैसे ये है ना कि ये फोटोन ऊपर गया उसी को इलेक्ट्रॉन ने पकड़ लिया इसके पीछे भी एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में अब आपको हर मोमेंटम के फोटॉन्स वो जो कम एनर्जी निकल कर निकले हैं वो जो ज्यादा एनर्जी लेकर निकले हैं वो सारे आपको शामिल करने होंगे तो जब आप इस डायग्राम को कैलकुलेट करते हैं तो फिर परेशानी शुरू होती है परेशानी इसलिए कि दिस डायग्राम गिव्स एन आंसर विच इज इंफिनिटी और इससे तो आप बच भी नहीं सकते ये आपके फाइनमन रूल्स बताते हैं कि इसको हर सूरत हर हाल में शामिल करना है अगर आप नहीं करते तो फिर आपने इससे या आइंस्टाइन थ्योरी से तजावज किया है उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया लिहाजा आप पर यह लाजिम होता है लाजिम होता है कि इससे कैलकुलेट करें लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर आता तो शुरू में लोगों ने कहा कि अरे ये तो फिर फिजिक्स की मौत आ गई जब इन्फिनिटीज आती हैं तो क्या किया जाए तो फिर ये आ, पूरा नया सिलसिला शुरू हुआ जिसको रिनॉर्मलाइजेशन थ्योरी कहते हैं यानी कि ये जो इन्फिनिटी है इसको कहीं ऐसी जगह पे छुपाया गया कि जो एक्चुअल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं जो फाइनल आंसर जो आप एक्चुअली जाकर मेजर करते हैं उनके ऊपर इस इन्फिनिटी का आ, असर होता है इस डायग्राम का असर होता है लेकिन इससे कोई इन्फिनिटी नहीं पैदा होती ये बिल्कुल सही Uh, मकदार में वहां पर आ जाता है ताकि आप इसकी कोई खिलाफ वर्जी ना हो आइंस्टाइन रिलेटिविटी की खिलाफ वर्जी ना हो और फिर जब आप इसको मैच करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ तो फिर बड़ा सुकून होता क्योंकि यू गेट एग्जैक्टली वट यू शुड तो ये जो रिनॉमलाइजेशन थीरी थी इसके ऊपर फिजिस ने 30-40 साल लगाए आखिर इस मसले को अब हमेशा के लिए आ, हल कर दिया गया बहुत ही ये आ, लंबा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड सिलसिला था लेकिन अब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए अलबत् जब आप रिनॉर्मलाइजेशन टू ऑल ऑर्डर्स पढ़ाते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में उसमें भी तो पूरा साल लग जाता है कोई इतनी आसान चीज नहीं एक तो ये, ये मैं आपको बताता चलू कि डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है अब आम, यहां पर फोटोन मैंने ग्लू ऑन डाल दिया लेकिन चलिए फोटॉन है फिर नहीं कोई हद नहीं कॉम्प्लेक् कॉम्प्लेक्सिटी की और पूरे के पूरे इधर इस तरह के लैडर्स हो सकते हैं इनको लैडर डायग्राम्स कहते हैं अब सोचें कि जो डायग्राम मैंने पहले लिखा था उसमें एक लूप था इसमें सौ लूप्स हो सकते हैं यानी कि उसकी जो इन्फिनिटी उस इंफिनिटी को सौ गुना टू तो द पावर हंड्रेड आपको करना होगा लिहाजा ये इस तरह के डायग्राम्स को रीनॉर्मलाइज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं लेकिन ये अब सब कुछ हो गया तो एक इतनी इतनी जरूरी चीज बन गई है हर के लिए कि वो तो हम शुरू ही में पढ़ा लेते हैं अलबत् अब देखिए इसमें एक खराबी है खराबी इस लिहाज से बजाहिर एक खराबी है लोग समझते हैं कि असल में खराबी है ये जो इसको इस, इस जगह पे जहां इलेक्ट्रॉन एक फोटोन खारिज करता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स अब इस वर्टेक्स के साथ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आता है सो एवरी वर्टेक्स कैरीज द the charge of the electron e ab ye kahan se aaya it comes from the approximation where you where you assume e is small ab actually charge of the electron ek lihaz se chhota to hai lekin अगर आप आ, मिसाल के तौर पर क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स करें तो वहां e की बजाय strong चार्ज आ जाता जो कि छोटा नहीं तस्वुर किया जा सकता लिहाजा लोगों ने हमेशा से ये समझा कि हाँ ये फाइनमन डायग्राम्स है तो बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ तस्वीर हमारे सामने आ जाती है मगर ये एक अप्रोक्सीमेशन है ये कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता और ख़ास तौर पर ऐसे फिनोमेना जो बेसिकली नॉन परटर्बेटिव है यानी कि जिसमें आपको मुकम्मल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है उसके लिए नाकाफी है तो इसका एक मुखालिफ नजरिया है और मैं फिर इसके बाद आगे चलता हूं। वो मुखालिफ नजरिया इस फिजिस का है टूफ्ट टूफ एंड और एंड वेल, वेल्थमैन ये दो इन दोनों को भी नोबेल प्राइज मिला आ, नोबेल प्राइज मिला इसलिए कि जो सलाम और वाइनबर्ग ने थियोरी पेश की थी वी कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की उसमें रिनॉर्मलाइजेशन वो नहीं कर पाए थे रिनॉर्मलाइजेशन जो कि बहुत जरूरी है एक मुस्तनद थियोरी के वास्ते लेकिन वाइनबर्ग ने बड़ी कोशिश की सलाम ने भी कुछ हल्की फुल्की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए उसमें टूफ्ट उस जमाने में वेल्ट फेल्टन कहते हैं शायद हाँ फेल्ट मैन का स्टूडेंट था और वो भी ऐसे ना फाइन मैन है बड़ा खपती था बहुत उसका दिमाग बड़ा तेज था और उसने सोच लिया कि कैसे इसको रिनोमलाइज किया जा सकता अच्छा चलिए वो नोबेल प्राइज़ तो उसके लिए मिला लेकिन जो दूसरी बात मैं करने लगा था टूफ्ट तो और वेलमैन इन्होंने कहा कि देखें अगर आपको क्वांटम फ़ील्ड की रू जाननी है, तो आप इक्वेशंस को भूल जाए, आप शुरू करें डायग्राम से शुरू करें इस फाइन वन डायग्राम से वैसे तो उलट था ना कि आप जो बुनियादी थ्योरी है उससे आप फाइन वन तक पहुंचे थे वो कहते नहीं उतनी ही अच्छी चीज और उससे बेहतर चीज ये है कि आप फाइनन डायग्राम्स को एक्चुअल फिजिक्स समझें और उधर से फिर आप नॉन perturbative फिनोमेना की तरफ जाए तो उसमें आम, मैं ख्याल इससे लोगों को कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं हुआ और ये बात चल गई है आ, मैं सिर्फ ये इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये, ये बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है तो जिसे लार्ज एंड थियोरी कहते हैं वो टूहूफ ने सबसे पहले उसका रास्ता दिखाया था और वो इस तरह से कि फाइनमन डायग्राम आर द बेसिक ऑब्जेक्ट और फिर बाकी बातें उसके बाद आती हैं अच्छा तो ये दो फाइनमन के बड़े बड़े काम थे और मैं बस अपनी बात फाइनमन और जिन भूत उस पर खत्म करूंगा देखें मुझे पता नहीं आप लोग जिन भूतों जिन भूत में मानते हैं कि नहीं लेकिन आ, मसला यह बन जाता है कि जब आप कैलकुलेशंस करने लगते हैं ना और खास तौर पे ग्रेविटी देखिए ग्रेविटी जो कि क्वांटम फील्ड थियरी है उसको उस शक्ल में ढाला जाता है तो उधर गोस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं सो माई लास्ट विनम एंड गोस जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है ग्रेविटी हम उसको अगर एक फील्ड थ्योरी की शक्ल दें जो कि मुमकिन है तो उसमें उससे हम ये जानते हैं ये जान सकते हैं कि अगर एक मास हो उस मास को हम एक ऐसी लकीर के साथ मंसूब कर सकते हैं ये जिस वर्टेक्स पे पहुंचेगा इस वर्टेक्स से वो फोटोन नहीं छोड़ेगा इस वर्टेक्स से वो एक पार्टिकल छोड़ेगा जो ग्रेविटी का पार्टिकल है जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं तो तो जिस तरह एक फोटोन दो चार्जेस के बीच में कशिश पैदा करता है या धकेल पैदा करता है एक मास और दूसरे मास के बीच में जो कशिश है उनके बीच में धकेल कभी नहीं हो सकती ये हम प्रूव कर सकते हैं हमेशा कशिश है तो जो कशिश है वो इस ग्रेविटॉन की वजह से पैदा होती है लिहाजा अगर कोई दूसरा मास है तो ग्रेविटॉन यहां से यहां जाएगा और बिल्कुल जैसा के चार्जेस के लिए होता है वैसा यहां पर आप एक फाइनमन डायग्राम लिख सकते हैं अलबत् वर्टेक्स के ऊपर आप ई नहीं डालेंगे तो इस असल में इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल करना होगा इधर मैं चलिए डैश लाइन लगाता हूं तो ग्रेविटॉन इज द डैश लाइन तो ग्रेविटॉन यहां से यहां गया इस वर्टेक्स के ऊपर मास आएगा मास एंड द कांस्टेंट टू ग्रेविटी अच्छा है, तो अगर तो सिर्फ ये चीज हो ना तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इससे आप ऐसे बरामद कर सकते हैं कोई मसला नहीं जो कूलॉम्स लॉ है कूलॉम्स लॉ चार्ज ऑफ वन

इस तरह के डायग्राम्स में यह मसला पैदा होता और आ, इसको बॉक्स डायग्राम कहते हैं अब बॉक्स डायग्राम अगर आप शामिल करें तो उससे एक खराबी पैदा हो जाती है न सिर्फ ये इंफिनिटी है लेकिन उस इंफिनिटी को आप रिनॉर्मलाइज नहीं कर सकते लिहाजा दो बहुत बड़े नाम हैं क्वांटम फील्ड थियरी में फाटी पॉप ऑर्वों इन्होंने कहा कि होने चाहिए ऐसे गोस पार्टिकल्स होने चाहिए जो असल वजूद नहीं रखते लेकिन जिनका थियरी के अंदर होना जरूरी है यानी कि जब आप उस जब आप शुरू करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा पार्टिकल्स हैं ग्रेविटॉन्स हैं और इनके अलावा ये जिन, हैं। जिन के तो उससे फिर आप, वो अगर आप शामिल करें तो फिर ऐसे डायग्राम्स जो थियरी को खराब करते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं और फिर हर चीज ठीक हो जाती है अच्छा लेकिन फाइनमन ने इसका बड़ा आसान हल निकाला उसने कहा कि मुझे कोई जिन भूत की जरूरत नहीं सिंपली इग्नोर दीज डायग्राम्स इफ यू इग्नोर दीज डायग्राम्स यानी हमें सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है हाँ उसने कहा कि इसमें कुछ मजीद सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं और फिर बाद में उसका इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो गया लेकिन उसने कहा कि यू डोंट नीड गोस तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसकी एक एक कामयाबी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है जितनी कि दूसरी है आ, इसके अलावा फाइनर ने और क्या कुछ किया उसने क्वांटम कंप्यूटर्स का आइडिया दिया जो पहला आइडिया था वो

मिसाल के तौर पर आप दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हैं अच्छा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कि उन प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स हैं, इस प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स हैं, उस प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स हैं। तो ये जमगठा क्वार्क्स और ग्लुआंस का इधर है ये जमगठा इधर है और फिर जो चीज इससे बरामद हुई आ, हर किस्म की चीज़ से निकल सकती है इंक्लूडिंग द क्वार्क ग्लोआन प्लाज्मा जो कि कायनात की इब्तदा में था अच्छा तो इसको इन फा, फाइनमेंट डायग्राम्स को कैलकुलेट करते करते एक फिजिस की ज़िंदगी भी निकल जाती है कम से कम कुछ साल लग जाते हैं कैलकुलेट करने सब कुछ अच्छा हर मखसूस प्रोसेस के लिए फाइनमेंट डायग्राम्स होते हैं तो आप पहले बता देंगे कि किस चीज को किस चीज से टकरा रहे हैं तो उसके बाद फिर फाइनमेंट डायग्राम आपको बताएंगे कि मुमकिन क्या है आ, क्या आप फाइनमेंट डायग्राम्स को कंबाइन कर सकते हैं हाँ इस सेंस में कि आ, जैसा के हाँ जैसा के यहां पर आ, दो मासेज आपस में टकराते हैं उसके नतीजे में दो मासेस बनते हैं वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, इंटरेक्शंस ये अगर इधर चला जाए ये ये इधर चला जाए ये इधर चला जाए तो हाँ सीक्वेंशली आप इनको ऐड करते चले जा सकते हैं वो मुमकिन है लेकिन शायद आपका सवाल इससे मुख्तलिफ है मेरा क्वेश्चन यही था क्योंकि आ... जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू तो चल रहा है ना आगे जो भी इंटरेक्शंस हो हैं भले दो के लिए भी हो तो सो क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से क्या फाइनमेंट डायग्राम्स इवॉल्व होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले कुछ सिंपल डायग्राम हो फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और फिर अगर तो हम नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 इस इस इस, इस, तरह, नहीं, so, इस तरह नहीं इस तरह नहीं, नहीं। हो सकता है फाइनमेंट डायग्राम्स का क्या चीज एवोल्यूशन ऑफ फाइनमेंट डायग्राम्स हम नहीं एवोल्यूशन नहीं हो सकता लेकिन आप उनको जमा कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली एड अप एनी इनफिनिट नंबर ऑफ फाइनमेंट डायग्राम्स उससे एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकलता है ना एक नहीं, नहीं देखें मैं फिर से फाइनमेंट डायग्राम की जरूरत के बारे में जो कहा था सो दोहराता हूँ आप कोई मखसूस फिजिकल प्रोसेस शुरू करते हैं इनिशिएट करते हैं दो एटम्स टकरा दिए एक फोटोन और एक डब्ल्यू बोजॉन टकराया इसको उससे टकराया तो उसके नतीजे में क्या बरामद होगा फाइनमेंट डायग्राम्स आपको उसका जवाब देते हैं well, so, so ये जो, आ, है और है। इनका आपस में अगर आप पुराने तरीके से करें ना तो आ, अगर आप जैसे डाइसन ने आ, लिखा था पर्टरबेशन थ्योरी तो उसपे तो जान निकल जाती है इतने सारे फैक्टर्स हैं आपको ये सबका ख्याल रखना पड़ता लेकिन जब आप तो उससे फाइनमेंट डायग्राम डिराइव हो जाते हैं और इसी तरह से शुरू में डिराइव किए गए थे लेकिन जब ये फाइनमन पाथ आम हो गया तो उसके बाद फिर फाइनमन डायग्राम्स जो रूल्स बनते हैं फाइनमन डायग्राम्स के वो डिराइव करना बड़ा आसान हो गया नहीं नहीं, नहीं आ, ये हाँ 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 तो ऐ, ऐसे है कि आ, देखें जैसा कि एक फोटोन है फो, फोटोन वो रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता लेकिन गोस्ट हमेशा वर्चुअल होगा वी नेवर सी रियल गोस्ट तो इसीलिए मैंने कहा कि यू नेवर सी रियल गोस्ट

देखिए मैं कैलकुलेशन करके बता सकता हूं लेकिन ये मैं नहीं बता सकता कि क्यों ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव रहती है ये स्पिन टू की क्या बात है जैसा कि आपने कहा ग्रेविटॉन स्पिन टू पार्टिकल है इसके सबब हमेशा मैटर मैटर को अपनी तरफ खेचेगा शायद कहीं पर किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो लेकिन मैं ये कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ मुझे पता नहीं सर तो आपने आपने मेंशन किया था था ना ना कि कि हम प्रूव कर सकते हैं बीच में आपने कहा ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करती है आपने मेंशन किया था तो मतलब किस तरह तो यही बात है ना क्योंकि स्पिन टू है जैसा कि आपने कहा तो क्योंकि ये स्पिन टू पार्टिकल है जब आप इसको फाइनमेंट डायग्राम में डालते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा हमेशा अट्रैक्शन आपको मिलता है कभी आपको रिपल्शन नहीं मिल सकता तो इसकी वजह मुझे नहीं पता लेकिन आ, क्या, आ, शायद किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो अच्छा सर और ये जो, ये जो जो गोस है आपने कहा था कि फाइनमैन ने कहा कि इनको अगर हम निकाल दें तो उससे मसला हल हो जाता है तो मतलब उनको तो शामिल इस वजह से किया गया था कि ताकि ये बॉक्स डायग्राम को मतलब हम इंक्लूड कर सकें तो निकाल दिया फिर तो वापस उसी सिचुएशन में नहीं चले जाएंगे जिसमें हम शुरू में थे। तो हाँ हाँ लेकिन <laughs> या ले, बिल्कुल सही। फाइनमन ने ये कहा कि इनको छोड़ी दो आ, इन इनको छोड़ी दो तो बेहतर है। फिर यूनिटरिटी आपकी कायम हो जाएगी। यानी कि आपकी थ्योरी में वो कंडीशन फुलफिल होगी जो उसे फुलफिल करनी चाहिए इससे एक स्टेप आगे है और उन्होंने कहा कि नहीं ये क्यों हो कि हम कुछ डायग्राम्स को आ, मर्जी से छोड़ दें तो इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसा पार्टिकल इजाद करना चाहिए घड़ना चाहिए मन चीज है ठीक है लेकिन कम से कम वो फिर उस चौखट के अंदर आ जाता है तो फिर आप सारे रूल्स जो आप पर लाजिम होते हैं वो अप्लाई करेंगे और कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं आएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़। लेकिन ये कह रहा हूँ कि इस शख्स की इतनी दूर की सोच थी कि उसने कहा कि ये बॉक्स डायग्राम ये नहीं होने चाहिए फाइनमन फाडेव पॉप ऑफ ने उसके 20 साल के बाद ये काम किया और ठीक है

फिर तो वो बात हो जाती है ना कि के ग्रेविटी कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव डार्क एनर्जी सिंपली अ रिपल्सिव टाइप ऑफ ग्रेविटी और लैम्डा और जो ट्रेडिशनल ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव है नहीं।, नहीं 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 देखें अह नहीं आ, ये ये बात ठीक है कि आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को ए, जीरो कर दिया था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था डार्क एनर्जी अह नॉट इंप्लाई रिपल्सिव ग्रेविटी ग्रेविटी हम किसको कहते हैं अब थोड़ा सा हम टेक्निकल हो जाएंगे यहाँ पे लेकिन अगर आप वो लगरांजन लिखें जो जो मिनिमल लगरांजन है ग्रेविटी का तो उसमें से सिर्फ अट्रैक्शन ही निकलती है आ, उस मिनिमल लगरांजन में लैमडा नहीं आता लैमडा तो यूनिवर्स के लिए है ना अच्छा अब वो आ, डार्क एनर्जी किस सब से मौजूद है हम दावे से तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का क्रिएट होना और फिर वो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का हिस्सा बन जाते हैं यानी कि कर्वेचर उसकी वजह से आता इट्स ग्रेविटी की आखिरी शक्ल क्या होगी कोई नहीं जानता लेकिन जो आइंस्टाइन ग्रेविटी है उसके अंदर कोई रिपल्शन मुमकिन नहीं सर uh, फाइनमैन को नोबेल प्राइज किस काम पे मिला था फाइनमैन को नोबेल प्राइज मिला था ये वीक इंटरक्शन के ऊपर ये जो वी गलमान और फाइनमैन दोनों को साथ मिला था आप मुझे याद नहीं साथ नहीं मिला था हाँ 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल वो वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे मिला था क्यू ई डी पे मिला था हाँ गैलमान को तो वी माइनस ए पे मिला था यस फाइन बिल्कुल सही कहा आपने तो यही जो फाइनमेंट डायग्राम्स हैं बेसिकली इसकी एप्लीकेशन रिनॉर्मलाइजेशन उस काम पे मिला था साथ साथ श्विंगर और टोमोनागो को मिला था तो श्विंगर आ, बहुत सीनियर शख्स था हार्वर्ड में था टोमोनागा जापानीज और जो काम ये जो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस एंड फोटॉन्स ये ये काम है ये क्वांटम इलेक्ट्रो का है तो इसको रिफाइन करना फिर इससे प्रिडिक्शंस हासिल करना जैसा कि लैम्प शिफ्ट है तो इस काम के लिए मिला था या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग Uh, सर एक और क्वेश्चन है जैसा डायसन का एक uh, है सर कि एटम्स मेक कॉन्शियस चॉइस जिसको ऊपर काफी साइंसदान ने फिर बाद में uh, अपनी बात की तो इससे रिलेटेड फिर कुछ डू एटम्स मेक अ कॉन्शियस चॉइस उसे आगे मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि डू इलेक्ट्रॉन्स मेक अ कॉन्शियस चॉइस आ देखें इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचना है अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स राह पे चलते सही वो जानते कि उन्हें करना क्या चाहिए तो वो यूं जाते लेकिन वो इस रस्ते से भी जा सकते हैं इस रस्ते से भी जा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ेंगे तो एक रस्ते पे चलेगा ना अब उस इलेक्ट्रॉन ने खुद फैसला किया क्या उस क्या वो अपनी मर्जी से अपना मुस्तबिल तय करता है क्या उस क्या वो खुद मुख्तार है तो को छोड़े इलेक्ट्रॉन पर बात आती है डू इलेक्ट्रॉन्स मेक चॉइसिस डू इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है उधर नहीं तो सर इसका क्या मतलब है मतलब कि ऑटोमेटिकली वो खुद से ही सारा कुछ प्रोसीजर हो रहा होता है उनका थोड़ी वजाहत करें मतलब कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सीधा चल के जाएगा पॉइंट बी तक तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है वो कहीं से भी जा सकता है तो मतलब ये जो उनकी हरकत होती है चॉइस ये खुद ब खुद ही हो रही होती है भाई देखें हमें पहुंचना है मुझे पहुंचना है पा पारा मैं कश्मीर हाईवे से भी जा सकता हूँ मैं अपने सीना रोड से भी जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। मैं इस चीज को देखना चाहूंगा मेरा पेट्रोल कितना कम से कम खर्च होता जो एक्शन मैं मिनिमाइज करूंगा ना जो हर चीज की बुनियाद है जो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल भी है उसको मैं कम से कम करना चाहूंगा अच्छा फर्ज कीजिए कि कश्मीर हाईवे और इब्न सिना दोनों से बराबर पेट्रोल खर्च होता है तो फिर मैं किस पे चलूं? फिर ये मेरी मर्जी होगी अब इलेक्ट्रॉन के लिए उत, आ, ये भी मुमकिन है कि इस पर जाए ये भी है कि इस पर जाए अगर वो बराबर एक्शन के हैं इक्वल एक्शन पाथ्स हैं देन विच टेक इट विल टेक वन और अब आप क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सफर तय करता तो अगर आप उसके बारे में कहें तो फिर आप मेरे बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये भी एक ये भी मजबूर है या आ, खुद मुख्तार वर्चुअल uh, फोटोन uh, uh, है ये डिटेक्टेबल है यानी आप उसको जिस तरह बाकी एक्चुअल फोटोन को डिटेक्ट कर सकते हैं उसी तर्स पे उसको डिटेक्ट uh, कर सकते हैं एक तो ये दूसरा ये कि जो फेनमैन डायग्राम इक्वेशंस है इसका सन में तो सारा मेरे ख्याल में यही चल रहा होगा इसी का मेजर पार्ट यूज किया जा रहा होगा क्योंकि सन में ये बहुत रेलिमेंट है सन का जो मैं तो उसके हवाले से इस पर कमेंट और दूसरा सर ये जो दूसरा फिजिकल मीनिंग है ये जो आपने सेकंड वाला बताया कि दो वर्टिसेस बन रहे हैं ग्रेविटेशन के ये जो नीचे एरो का मुझे समझ नहीं आया कि करिए इसको थोड़ा सा लिबरेट करें एक तो उसका अपना पात ओ, है। ये, ये उल्टा हो गया ऐसे आ, जी अच्छा सॉरी सॉरी गलत हो गया हाँ हाँ फिर ठीक सॉरी

एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोजॉन भी बनाता है और दो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन भी बनाता है। वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है तो एक फोटोन छोड़ता है जिसको हम देख सकते हैं ये रियल है जिस चीज को हम देख सकते हैं जो एक्चुअली यहां से वहां तक पहुंच सकता है फासला तय कर सकता है उसे हम रियल कहेंगे अच्छा लेकिन यह भी मुमकिन है कि ये एक फोटोन छोड़े मैं ज्यादा ग्लूऑन्स का आदि हूं इसलिए ये ये रियल है ये है। अब आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि क्या इस वर्चुअल फोटो को हम देख सकते हैं लेकिन जितने फोटॉन्स रेडिएट होंगे एक इलेक्ट्रॉन एक के एक्सेलरेट होने से अगर मैं इसको शामिल ना करूं तो फिर थेरी और एक्सपेरिमेंट दोनों मैच नहीं करेंगे लिहाजा ये महज थियोरेटिकल है लेकिन थियोरेटिकल का होना जरूरी है वगरना आपकी थेरी गलत हो जाती है। अच्छा, तो ये जवाब आपके पहले सवाल का। दूसरा क्या था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का? फोटो का? हाँ। अच्छा, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये है कि रोशनी आती है? नहीं, किसी मटेरियल पर लगती है ना? एक फोटोन आता है, इधर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे नाच रहे हैं जो भी है फोटोन ने उनसे उनको किसी एक टक्कर मारी उसके साथ तसादम हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल आया तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से आजाद होके निकला तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन

आता है हालांकि इस तीर दूसरी तरफ है लेकिन दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम और ये फोटोन निकलता है ये ये असल में ये रियल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा मगर वो एक, एक मोमेंटम एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व इन दिस लेकिन ये वर्चुअल है और ये फिर आ, आ, जैसा कि कहा कि इधर कोई बंदा भी बन सकता भालू भी बन सकता मगर जो भी इधर होगा सो उसका एंटी यहां होगा ये दो डिटेक्टेबल है हाँ सर फिर ये वर्चुअल पार्टिकल्स फिर आ, एंटी साइंटिफिक या साइंस में नहीं आता ना ना, ना 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ये हमारे कैलकुलेशन से निकला जो चीजें यहां से निकली ये तो मैं मजाकन कह रहा हूं ना कि इधर हाथी और एंटी हाथी निकल रहा है वो तो मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन यहाँ से एक डब्ल्यू बोजॉन w प्लस निकल सकता है इधर से w माइनस निकल सकता है इधर क्वार्क एंटी क्वार्क इलेक्ट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकल सकता है किस مقدار में किस रेट पे ये चीजें निकलती हैं वो हम फाइनमेंट डायग्राम हल करके जान सकते हैं जी सर uh, जिस तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो तकरीबन सारे 5 लेते हैं a.2 से b तक जाने में तो हमें पता है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का आपको पता है तो मतलब ये है कि हमारे अगर प्रोबेबिलिटी तो है कोई और पाथ लेने की पार्टिकल की तो अगर उसने कोई और पाथ ले लिया है विच इज़ नॉट द क्लासिकल पाथ तो वो हम कह सकते हैं अगर उस पाथ उस वो ले लिया तो वो एक वर्ल्ड स्प्लिट हो गई है और अगर हम अगर हम कहें कि मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन सही है तो मतलब ये इसी तरह वर्ल्ड स्प्लिटिंग होती है कि डिफरेंट पाथ ले लिया पार्टिकल ने Uh, हमारी यूनिवर्स से तो वो दूसरी वर्ल्ड लेक स्प्लिट हो गई हाँ लेकिन देखिए जो, जो 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 मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन में है उसमें तो आपको एक्चुअली इंटरवीन करना पड़ता है ना कि जब आप मेजरमेंट करते हैं जब आप ये दावे से कह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर चला मिसाल के तौर पर ये टू स्लिट एक्सपेरिमेंट है अब आप यहाँ से पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं आप नहीं कह सकते कि ये इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा लेकिन, लेकिन जब ले जैसे जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि ये इससे गया तो नई यूनिवर्स बन गई बबल चेम्बर में अगर हम देख लें उसमें तो पाथ का पता चल जाएगा हमें किस पाथ से जा रहा है तो

इसका एलएफ नंबर क्या है <laughs> सर आप वैसे खुद किस के, इंटरप्रिटेशन को मानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की भाई मैं बहुत सादा आदमी हूं मुझे कोपन आ गया Okay. So I'm interested in that. Could you just briefly explain? Okay. So I'm interested in that. Could you just briefly explain? Okay. So I'm interested in that. Could you just

जो बड़ा काम किया उसने कहा कि यू टेक ऑल फाइनमेंट डायग्राम्स लेकिन फिर आप उनको कैटेगराइज करेंगे तो मिसाल के तौर पर आ, ये लार्ज एंड क्यू सी में आप देखते हैं कि आ, जो प्लेनर डायग्राम्स हैं वो डोमिनेट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दे देनी चाहिए वो डायग्राम जिसमें आप प्लेन से डिविएट करते हैं वो सप्रेस्ड हैं बाय वन ओवर एन एन इज़ सपोज टू बी लार्ज द नंबर ऑफ कलर्स तो उससे उसने बहुत काम की चीज़ें दिलचस्प चीज़ें निकाली हैं और सिर्फ ये मानते हुए कि फाइनमेंट डायग्राम इज़ व्हाट डिफाइनज ए थियोरी

ये समझते हैं कि सारे फाइनमेंट डायग्राम्स कैलकुलेबल हैं वो नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड फाइनमेंट डायग्राम सिर्फ कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं चलो अब वक्त के साथ हमने ज्यादा तरीके सीखे कंप्यूटर्स uh, को असल में प्रोग्राम किया गया कि वो ऑटोमेटिकली फाइनमेंट डायग्राम्स कैलकुलेट करें लेकिन मिसाल के तौर पर अगर दो बंदे आपस में टकराते हैं उनका टकराव भी आप डायग्राम से की सूरत में लिख सकते हैं लेकिन क्या कभी कुश्ती का मुकाबला उसका आउटकम कैलकुलेट करके हासिल कर सकते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता इट इज फार 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 टू कॉम्प्लिकेटेड सर्ण का सारा काम फाइनमेंट डायग्राम्स के ऊपर मुनसर है। लेकिन देखें फाइनमेंट डायग्राम्स आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको जो उसके नीचे जो थ्योरी है ना वो मालूम हो कि इधर क्या होना चाहिए अब मि मिसाल के तौर पर सुपर सिमेट्रिक थ्योरीज हैं आप फाइनमेंट डायग्राम उसकी लिख लें लेकिन आपको पता नहीं कि इस वर्टेक्स के ऊपर क्या है डालना अच्छा ठीक और कोई आखिरी सवाल सर मेरा क्वेश्चन था कि रिसेंट ईय में एक नई फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे उस पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है आजकल कैटेगोरिकल फॉर्मूलेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स की है क्या चीज कैटेगोरिकल फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसकी यानी बेसिस प्योरली कैटिगोरी थ्योरी पे है जैसे मैथमेटिशियंस एब्स्ट्रैक्ट नॉनसेंस भी कहते हैं अब ये इसमें भी आप जब डिस्क्राइब करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट को आप इसके लिए भी जेड एक्स कैलकुलस जो होता है इसकी बेसिस जो है इस नई फॉर्मूलेशन की उसमें भी डायग्राम्स होते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका कोई कनेक्शन होगा फाइमिन डायग्राम्स और वहाँ पे जो दूसरे जो फॉर्मूलेशन है उसमें जो डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि उन डायग्राम से भी आप काफ़ी क्वांटम फिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट है और क्वांटम uh, टेलीपोर्टेशन वो भी आप फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये बॉब क्वैक ने स्टार्ट किया है उन, उनके वर्क से उनने भी वो भी एक्सप्लेन करते हैं काफी क्वांटम फिनोमेना को तो क्या कोई लिंक है इन दोनों के درمیان <coughs> देखें जहां तक मुझे पता है क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है हिलबर्ट स्पेस से एल्बर्ट स्पेस में स्टेट्स और ऑपरेटर्स हैं उसकी बिना पर आप ये पूरी इमारत खड़ी करते हैं आप शायद इशारा कर रहे हैं टूवर्ड्स टेंसर नेटवर्क्स इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ तो टेंसर नेटवर्क्स इज एन आउटकम ऑफ दैट उसमें फाइनमेंट डायग्राम्स नहीं उसमें टेंसर डायग्राम्स हैं वो और बहुत अच्छी चीज है उसमें जैसे ये लेगो होता है उसमें आप ब्लॉक्स जोड़ते चले जाते हैं और हर ब्लॉक को आप इंटरनली अच्छी तरह से जानते हैं तो ये लॉक होता चला जाता, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ब्लैक होल टेलीपोर्टेशन की थियोरी के लिए मेरा ख्याल पता नहीं मैं इतना नहीं जानता उसके बारे में लेकिन टेलीपोर्टेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो हम आ, आ, स्पेस

उसमें कंप्लीटली जो लिनियर आल जो है जो नॉर्मली हम हिलबर्ट स्पेस के थ्रू कहते हैं वही चीज़ डायग्राम्स के साथ होती है जो कैलकुलेशंस भी होती हैं वो भी डायग्राम्स के साथ होती हैं अब इसमें और इसमें काफ़ी जो मोटिवेशन भी थी जो ओरिजिनल कैरियर्स की वो कहते हैं वो कोट करते हैं श्रोडिंगर को ऑनेस्ट आई नेवर एक्चुअली बिलीव इनबे स्पेस माई सेल्फ इस

इसीलिए इतना बड़ा है कि फाइनमन भी उसके सामने यू हाथ जोड़ता और डायसन ये सारे लोग जो हैं वो डिराक के मोतरफ हैं डिराक है जिसने ये हेलबर्ट स्पेस पर पूरा किया आ, वो भी है और आ, 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 वो

ये ने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर इन कैन कैन वी वी डू विदाउट द स्पेस ऑफ़ क्वांटम एंड यस और एंटेंगलमेंट के कुछ मसले हैं वो इस तरह से हल हो जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम के भी ऐसे मसले हैं तो ये yes, हो कि अगर आपको इफ डोंट नीड हिलबर्ट स्पेसेस एनीमोर then there is a new way to teach quantum mechanics and to arrive at the same results but using a different framework and uh, is book bhi likhi hai Bob ko, picturing quantum processes ab ye high schooler hai, doesn't who doesn't have much knowledge about hilbert spaces differential equations all that if he just wants to understand, you know, finite particle quantum mechanics, just say spin, quantum uh, uh, spin, if he wants to understand spin or how quantum entanglement works or how quantum teleportation works. If he just wants that, the finite stuff, wo is framework ke through. He can, uh, under, uh, he can say that he understands this one version of uh, teleportation and quantum entanglement. That's actually rigorously based on, on something. Well, it's an... Interesting approach, mm -hmm. consistent with the old approach. Mm -hmm. Koi, yes. usme, of course, koi contradiction hai. The more ways mm -hmm. in which you look at the same problem, the better. Yes, and it's actually uh, helped a lot in quantum computers. Um, actually, jo uh, uh, quantum computing mein new work ho is entirely based on this new approach. Yes, because when you have like when you have uh, many in like thousand particles, when when you make their density matrix, it's going to be really really large number.

Yeah, mm -hmm. the more ways you look at it, the better. Mm -hmm. And diagrammatization is always helpful because we understand things better in terms of pictures than in terms of formulae. Mm -hmm. Okay. Achibat. Okay, thank you. That's good. Cool.